फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो श्रीमद् रामायण, जहां ऋषियों के स्वागत के लिए खुद प्रभु राम और माँ सीता चलकर आते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि ऋषियों का सम्मान कैसे किया जाता है। ये देख ऋषि भाव खो जाते हैं और प्रभु राम को भस्म अर्पित करते हैं। ये राम आश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो झनक। अर्शी, आर यू श्योर वो लड़की? घर वाले और अर्शी की प्लानिंग होती है कि झनक को घर से बेघर कर दिया जाए। झनक के अगर मुझे झलक भी दिखी ना, तो मैं परफॉर्म नहीं करने वाला। क्योंकि उस वक्त अनिरुद्ध पार्टी में बिजी होता है और उसे रोकने में किसी और का नहीं बल्कि अर्शी का हाथ होता है, ताकि अनिरुद्ध घर ना जा पाए। आई गेट दैट, लेकिन अपू दी तो गाना गा रही है। और इसका फायदा उठाकर झनक को घर से निकाल दिया जाए। इमली को छोड़ दे, वरना तू ठीक नहीं रहेगा। इधर के पकड़े जाने तक इमली मेरे साथ रहेगी अगस्त। क्या फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। अगस्त इमली के पास पहुंच जाता है, लेकिन विश्वा इमली को ले जाने नहीं देता। तभी दोनों के बीच झड़प हो जाती है, यहां तक कि विश्वा अगस्त पर बंदूक तान लेता है, लेकिन किसी भी तरह इमली और अगस्त दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में बात करेंगे शो गुम है किसी के प्यार में। सभी का ना चाहकर भी हो गया है गृह प्रवेश, और वो भी बिल्कुल अनोखे अंदाज में। हुआ यूं कि ईशान को बचाने के चक्कर में जब सभी को गोली लगती है तो ईशान उसे अस्पताल लेकर जाता है। उसके बाद जब सभी डिस्चार्ज होती है तब ईशान उसे अपने घर ले आता है। ईशान के पैरों में रंगोली का कलर लगा होता है और सभी उसकी गोद में होती है। इसी तरह ईशान सभी के साथ घर में एंट्री लेता है। हालांकि ये सीन बड़ा फिल्मी है, लेकिन दर्शकों को ऐसा सीन ही तो पसंद आता है। वही आगे जाकर ईशान और सभी के रिश्तों में दूरियां भी देखी जा सकती है, जहां सभी ईशान से कहेगी ये शादी सिर्फ एक समझौता है। लेकिन गृह प्रवेश सभी का हुआ। शिव शक्ति, जी हाँ, हर कोई सोचता है कि भैया जोड़ी हो तो शिव और शक्ति जैसी हो। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर जोड़ी तो बन गई, अरे भैया हम बात कर रहे हैं सीरियल की। अब शिव और शक्ति की शादी तो हो गई, लेकिन क्या साथ फेरे लेने से ही इनकी सोच मिल पाएगी? दिमाग के बीच अक्सर हमारा मन फंस जाता है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है शिव के साथ, जहां वो समझ नहीं पा रहा है कि शक्ति की बात माने या ना माने। अब शिव चाहता है कि वो कार्तिक को हॉस्टल भेज दे, लेकिन शक्ति नहीं चाहती है कि कार्तिक शिव से दूर जाए, क्योंकि जितना कार्तिक को अपने पिता की जरूरत है उतना ही शिव को भी अपने बेटे की चाह है। लेकिन शिव अपने बेटे का दुश्मन नहीं बनना चाहता, इसलिए वो अपने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुन रहा है। वो कह रही है मुझे कि कार्तिक को हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए, और शिव को लगता है कि भेजना चाहिए, तो वही बातें हो रही हैं हम दोनों के बीच। तो शिव को लगता है कि शायद वो अपने बच्चे को शायद हार्म कर दे, बिकॉज वो कभी कभी ऐसे रिएक्ट करता है। उसका रीज़न तो आपको सबको पता ही है, मंदिरा और उसकी दवाइयाँ। उसको लगता है ही डजंट, उसको लगता है कि वो खुद बुरा है और उसकी वजह से गौरी ऑलरेडी उसे नुकसान पहुंच चुका है, तो वो नहीं चाहता कि बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो। अब यहाँ शक्ति चाहती है कि शिव एक बार अपने दिल की बात सुन ले, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर वो शांत मन से अपने बेटे के बारे में सोचे। लेकिन शिव को तो दिमाग की सुननी थी, और उसने शक्ति की बात को काटने के लिए उसे पनिशमेंट दे डाली। लेकिन शिव को ये कहां पता था कि उसने मुसीबत को मोड़ ले लिया है, क्योंकि शक्ति फुल फॉर्म में है पनिशमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन इसमें भी तो एक ट्विस्ट है। प्लीज रुक जाओ मेरी माँ। हमारे 50 साल पूरे नहीं हैं। अब शक्ति पनिशमेंट तो पूरा कर रही है,
लेकिन उसके हाथ में एक पोस्टर है जिसको लेकर वो पूरे कॉलेज में घूम रही है। और ये पोस्टर देखकर शिव हक्का बक्का रह गया है क्योंकि उसकी इज्जत जो जा रही है। तुम्हारे दिल में प्यार है ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तुम्हारे दिल में ही क्यूट सीन है। शक्ति पूरे कॉलेज में उसे पनिशमेंट दिलवाता हूँ मैं, और वो पनिशमेंट तो कर रही है लेकिन उसमें उसमें शक्ति का तड़का लगा दिया है और हाथ में वो एक पेपर लेके भाग रही है जिसपे बहुत फ़नी चीज़ लिखी है। और शिव बहुत एम्बेरस हो रहा है और उसे कह रहा है कि प्लीज़ तुम ये क्या कर रही हो, ये कॉलेज है और मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ और माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन रुक जाओ। वो चाहती है कि शिव में वो चेंजेस आए, वो ऐसी क्यूट चीज़ें कर रही हैं जिसके वजह से मेरा जो मूड है, जो शक्ति ने शादी के पहले दिन जो किया था, तो वो जो शिव बड़ा गुस्से में है कि तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया था, तो ही स्टिल नॉट ओवर इट। अरे अरे शक्ति, आपका तो वाकई में कोई जवाब नहीं। आपने जो अपनी बात मनवाने के लिए हथियार आजमाया है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन अभी भी मुद्दा बस ये है कि शिव आपकी बात को मानेगा या नहीं, क्योंकि ये कार्तिक की बात है और वो इस मामले में बहुत ही संजीदा है। वैसे आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कहते हैं हिना की अतीत सामने आके खड़ा हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है राधा मोहन में मोहन के साथ। क्या है कि उनकी लाइफ में बड़ी कश्मकश है। तुलसी जो वापस आ गई हैं, अब ऐसे में वो लगा रहे हैं गुहार राधा से, क्या राधा मोहन की ये मांग पूरी कर पाएगी। से टूट गया है आज राधा का सपना, जिस राधा और मोहन का रिश्ता प्यार का पहला अध्याय हुआ करता था, उन दोनों के बीच आज कोई तीसरा आ गया है। उन दोनों के इस पहले अध्याय के बीच आज किसी तीसरे का नाम भी आ गया है, और वो तीसरा नाम कोई और नहीं बल्कि तुलसी का है। और इन दोनों के बीच यूं कोई तीसरा आ जाएगा ये राधा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसी तुलसी की वजह से मोहन का ये अवतार देख आज राधा मानो पूरी तरह से टूट गई है। जहां उसे ना चाहते हुए भी आज उन सभी से दूर होना पड़ रहा है जिस पर उसका अधिकार है, अब वो चाहे मोहन हो या फिर उसका कमरा। तो अब राधा को मोहन जी कमरे से बाहर निकाल रहे हैं, सारे राधा की चीज़ें पैक करके, क्योंकि अब तुलसी आ गई है। तुलसी को कोई बोल भी नहीं पा रहा है कि राधा अब मोहन की पत्नी है, तो बस छुपके से वो पैक करके राधा को थोड़ा समझा कर बाहर निकाल देते हैं ताकि तुलसी को शक ना हो जाए और तुलसी को बुरा ना लगे कि एक पत्नी को तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये तो मोहन जी के नज़रिए से है, पर राधा ये अच्छी तरह जानती है कि वो तुलसी जी नहीं है, क्योंकि राधा और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि तुलसी जी की तो मौत हो चुकी है, उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल चुकी है। जब दो झूठे एक साथ मिल जाते हैं तो सच अक्सर कमज़ोर पड़ ही जाता है, लेकिन सच में इतनी ताकत जरूर होती है कि वो देर से ही सही सामने जरूर आता है। और राधा को भी ये विश्वास है कि पति मोहन भले ही साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान मोहन यानी कि कान्हा जी उसका साथ जरूर देंगे, और अगर कान्हा जी की कृपा रही तो उसकी जीत भी जरूर होगी। फिर चाहे कादंबरी हो या फिर तुलसी,
दोनों की सच्चाई वो सबके सामने लाकर रहेगी। तो बस राधा समझ चुकी है कि ये कोई बहरूपिया है और मोहन जी से तुलसी जी समझ रहे, पूरा परिवार उसे तुलसी समझ रहा है। कादंबरी को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है राधा कि वही इसे ज़रूर लाई होगी, अपने पूरे परिवार के साथ खेल रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। तो राधा ज़रूर इन सबसे पर्दा उठाएगी, मोहन जी को ये विश्वास दिलाएगी कि ये तुलसी नहीं है। वैसे राधा का ये विश्वास हकीकत में कब बदलेगा, कब कादंबरी और तुलसी का सच सबके सामने आएगा, इसका इंतजार तो दर्शकों को भी बेसब्री से है। लेकिन सीरियल है ना जनाब, सब इतनी आसानी से हो जाएगा तो कहानी में ड्रामे का तड़का कैसे लगेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बात मुझे समझ नहीं आती कि ये टेलीविजन में शादी बर्बादी क्यों बन जाती है। अब देखिए ना कैसा है ये रिश्ता में, ये रजत और अनमोल की शादी होनी है लेकिन दुल्हन बदल जाती है, मृदुला दुल्हन बन जाती है। अब जाहिर सी बात है कि दुल्हन बदल जाएगी तो आगे की जिंदगी कोई सुचारू रूप से हंसी खुशी तो बीतने वाली है नहीं। जोर का झटका आज सिर्फ रजत को ही नहीं बल्कि हर किसी को जोर से ही लगा है, क्योंकि घूंघट की आड़ में आज वो चेहरा छुपा है जिससे शादी करना तो दूर रजत देखना भी पसंद नहीं करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मृदुला की, जिसने इस बार तो सारी हदें ही पार कर दी है। पिछले 1.5 महीने से मेरा फैंसी ड्रेस ही चल रहा है। मैं कभी बच्ची बन जाती हूँ, मैं कभी वेटर बन जाती हूँ, कभी कभी कुछ बन जाती हूँ, तो फाइनली मैं लड़की बनी हूँ। सो आज मैं दुल्हन बन के मंडप में बैठ गई हूँ अनमोल की जगह पर, और अभी बस आपने देखा होगा कैसे रिवील हो गया है कि मैं हूँ, अनमोल नहीं है। तो सबको बहुत गुस्सा आ रहा है, सब बहुत शौक में है फिलहाल, तो बस यही चल रहा है फिलहाल। अब जब शादी के मंडप में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो ऐसे में दूल्हे राजा रजत का गुस्सा होना तो लाजमी है। अंकल क्या बता दो, क्या अनमोल कहाँ है? कहाँ पंडित जी, कहाँ फेरे और कहाँ शादी, सब छोड़ छाड़ रजत ने आज तो मृदुला को सबक सिखाने की ठान ली है। कभी उसका गला दबाकर तो कभी हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाकर उस पर एक के बाद एक अपने गुस्से की भड़ास निकाल रहा है। नो, वो रजत ने जब मेरा हाथ पकड़ा तो उसको वो एहसास नहीं हुआ जो उसका अनमोल का हाथ पकड़ के जो एहसास होता है। तो प्यार में ऐसे ही होता है, जब आप किसी का टच आप फील करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका पार्टनर है। तो वैसे ही हुआ और उसको पता चल गया कि वो अनमोल नहीं है और मैं हूँ। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि इन सब के बीच आखिर अनमोल कहाँ है, जिसे दुल्हन बन मंडप में होना चाहिए था वो अपनी शादी से कहाँ गायब है। भाई इन सब के पीछे ना मोहतरमा मृदुला का ही हाथ है, तो चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने अनमोल के साथ क्या किया है। अनमोल के साथ कुछ नहीं हुआ है, मैंने उसको धमकी दी है कि अगर रजत को वो बचाना चाहती है तो उसकी जगह पर मंडप में मैं बैठूंगी, और ये बोलकर मैं मंडप में आ गई। वो सबको यही बोलने वाली कि मैं शादी नहीं करूंगी और वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में। वेल, मृदुला की बात से तो साफ जाहिर है कि इस बार प्लानिंग प्लॉटिंग काफी सोच समझ कर की गई है। लेकिन क्या वाकई में अनमोल की जगह मृदुला की शादी रजत से हो जाएगी, या फिर हर बार की तरह इस बार भी अनमोल मृदुला के प्लान पर पानी फेर देगी,
खैर कहानी आगे जो भी मोड़ लेगी वो वाकई में देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि सीरियल की दुनिया में ना कुछ लोग होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम होता है कि आग में घी डालना। वो घी का कनस्तर लेके बैठे रहते हैं कि आग लगे हम जाके घी डालें। अब ऐसा ही काम कर रही है निधि। कुंडली भाग्य में अब करण को गोली लगी है और प्रीता को बचाते हुए गोली लगी है। फिर क्या था, निधि ने बुआ के कान भरने शुरू कर दिए। यानी कि बेचारी प्रीता, इनको लाइफ में इनका परिवार यानी करण का परिवार एक्सेप्ट कर ले, ऐसा होता नजर आ नहीं रहा। परिवार में सुख दुख की घड़ी आती है तभी एक छत के नीचे सारे सदस्य एक साथ नजर आते हैं। जैसे कि आज पूरा लूथरा परिवार अस्पताल में जमा हुआ है। करण को गोली लगी है जिसके कारण उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तरफ दवा तो दूसरी तरफ एक पिता अपने बेटे की जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है, वो भी दुर्गा माँ के सामने। एक बेटा अपने पिता के गम में आंसू बहा रहा है। करण का एक बेटा राजवीर है तो दूसरा बेटा शौर्य। लेकिन दोनों में कितना अंतर है जरा देखिए। एक आंसू बहा रहा है तो दूसरा शराब के नशे में है जिसके कारण ही वो अपने पिता को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन बोलिए, सुनाइए मुझे कि मैं कितना बुरा हूँ और मैं कितना गलत हूँ। पर आई वांट यू गाइस टू नो कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ और ये बात मैं आप लोगों को प्रूव करके रहूँ। शौर्य को इसका पछतावा जरूर हो रहा है, हालांकि उसने कहा भी है कि वो अपने पिता का एक अच्छा बेटा है। खैर यहाँ एक तरफ अलग ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ निधि अस्पताल में भी प्रीता के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। निधि हर मौके का फायदा उठाना जानती है, ऐसे में भला ये मौका कैसे हाथ से जाने दे। एक बार ध्यान से सोच के देखिए, हर बार हर प्रॉब्लम का एक ही नाम है और वो नाम है प्रीता। अभी तो खैर करण अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन प्रीता का करण जरूर मौत को मात दे देगा क्योंकि उसकी प्रीता अभी उसका इंतजार कर रही है। और दोनों के मिलन के बिना किसी को कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए निधि कितनी भी कोशिशें कर ले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज तो अबीरा भी सोच में पड़ गई है रूही और अरमान का ये क्लोज डांस देखकर। देखिए ना, अबीरा और अरमान जो है वो एक पार्टी में जाते हैं, वहां पे धमक जाती है रूही और उसके बाद चिपक चिपक के ये दोनों डांस कर रहे हैं ना अरमान और रूही, कि अब शक होने लगा है अबीरा को भी कि ये बेस्ट फ्रेंड्स से तो कुछ ज्यादा ही है। शादी के बाद ये पहला मौका है अरमान और अबीरा के लिए, जहां पर दोनों एक पार्टी में साथ साथ गए हैं और इस पार्टी में आज ये दोनों मिलकर बहुत सारा धमाल करेंगे। दरअसल यहां पर लॉयर्स की पार्टी है और इस पार्टी में हर किसी को कपल डांस करना है, तो भाई अपने कपल है ना अरमान और अबीरा, जिन्होंने डांस की जुगलबंदी की तो इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके बीच में रूही कब आ गई। अब रूही तो इस पार्टी में आने वाली नहीं थी, लेकिन उसका आना भी जरूरी था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था कि अबीरा और अरमान एक साथ पार्टी में जा रहे हैं, तो उन्हें साथ में कैसे जाने दे सकती है, इसीलिए वो इन दोनों के बीच टपक पड़ी। पहले अबीरा और अरमान डिसाइड करते हैं पार्टी में जाने का, बट देन मुझसे रहा नहीं जाते और फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, अगर एक्स्ट्रा पास है तो मैं भी चली जाती हूँ, तो मैं आ जाती हूँ पार्टी में। और फिर अचानक से जब वो सालसा डांस चालू होता है तो पार्टनर्स चेंज होते हैं और मैं अचानक से दोनों को सरप्राइज़ दे देती हूँ मैं आकर। ये पूरा सरप्राइज़ है कि अरे ये कैसे आ गई, बट रूही तो कोई मौका छोड़ती है नहीं अरमान से चिपकने का। अब पहले तो अबीरा को लगा कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अगर डांस कर रही हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब अबीरा ने इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को नोटिस की तब उसे लगा कि ये बात ना फ्रेंडशिप से आगे की है। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ उन दोनों को देखकर कि ये बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा लग रहा है। मैं तो इन्हें बेस्ट फ्रेंड चढ़ाती थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा अलग कनेक्शन लग रहा है। अब यहाँ से मुझे शक होना शुरू हो जाएगा। अब अबीरा तुम एकदम सही सोच रही हो, इन दोनों के बीच कुछ ऐसा ही तालमेल है। फिलहाल अरमान रूही से जितना दूर भागता है ना, रूही उसके उतने ही करीब आती है। अब इसके बावजूद हम अरमान से ये जरूर कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, अगर आप नहीं चाहो ना किसी से बात करना, किसी को करीब नहीं आने देना, तो क्या मजाल है कोई आ सकता है, नहीं ना। तो अरमान आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपके मन में कहीं न कहीं आता है कि रूही आपके भाई की अमानत है, तो भाई उसे वैसे ही सोचो। आपको एक फैसला लेना होगा, रूही को अपने करीब नहीं आने देना होगा। अब जब रूही और अरमान को इतने करीब से डांस करते हुए देखा अबीरा ने, तो वो यहाँ से निकल गई। अरमान ढूंढते ढूंढते पीछे आया, अब रूठी हुई अबीरा को वो मना रहा है। दोनों के बीच फिर से एक गाना शुरू हो गया, मटर गश्ती, और उस गाने में इनकी खूब सारी मटर गश्ती भी।
एक तरफ अरमान और अभीरा के करीब आते आते रह जाते हैं तो दूसरी ओर रूही कोई मौका नहीं छोड़ती है अरमान के करीब आने का। तो ऐसे में अब क्या होगा आगे? इतना तो तय है कि रूही ही बार बार आएगी इन दोनों के बीच, और अब तो उसे ऐसा लग रहा है कि अरमान अब भी उसे प्यार करता है। तो इसी गलतफहमी के साथ रूही पूरी कोशिश करेगी अरमान और अभीरा का रिश्ता तोड़ने की। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माँ की मोहब्बत, माँ की दुआ, माँ की चाहत, माँ का प्यार, माँ के आंचल की ठंडी हवा, माँ की गोद का सुकून दुनिया का कोई भी शख्स नहीं दे सकता। और कहते हैं ना, माँ के कदमों तले जन्नत होती है। एक ऐसे ही माँ बेटे के रिश्तों से सजी कहानी में फिर से नजर आ रहे हैं वनराज और बा, यानी कि सुधांशु पांडे और अल्पना बुच। शो अनुपमा में ये दोनों लगभग 3.5 साल से माँ बेटे का किरदार निभा रहे हैं, और फिर किस्मत देखिए, एक बार फिर इन्हें मौका मिला वीडियो म्यूजिक में साथ काम करने का। ईशान ने मुझसे ये सवाल किया कि भाई माँ चाहिए, तो मेरा सबसे पहला जो थॉट था वो अल्पना के लिए था, बिकॉज 3.5 साल हो गए और 3.5 साल से ये मेरी माँ का किरदार निभा रही। और क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ऐसा किरदार निभाते हैं जैसे माँ बेटे का किरदार है, तो हम लोग बतौर एक्टर उसमें इतना विश्वास करते हैं कि एक्चुअली में सच में ये एक इक्वेशन बन जाती है कि ये मेरी माँ है, मैं इसका बेटा हूँ। वनराज और बाकी जोड़ी लोग खूब पसंद करते हैं, क्योंकि शो अनुपमा में वनराज अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इसलिए तो मेकर्स ने सोचा क्यों ना दोनों के साथ एक सॉन्ग बनाया जाए जिसमें माँ बेटे के जज्बात नजर आए। सुधांशु और अल्पना दोनों ही इस नए सॉन्ग के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एक ऐसी घटना है, ऐसी हिलाने दिल आपका दहला देने वाली घटना है। पर मुझे लगता है इस गाने से ये भी हो सकता है कि जो लोग अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इस गाने को देखकर वो ये समझ जाएं, रियलाइज़ कर लें कि यार माँ या माँ बाप उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे हमारी लाइफ में। और सुधांशु ने मुझे पूछा कि एक म्यूज़िक वीडियो है करोगे, सिर्फ ये जो घटना जो एक्चुअल सत्य घटना है वो उन्होंने मुझे नरेट की कि ऐसा हुआ है, और इस पर एक तो कोई थॉट ही नहीं था कि किसने लिखा है, कौन गा रहा है, कौन डायरेक्टर है, मेरे लिए कुछ नहीं था। मैंने बोला यस आई विल डू इट। सॉन्ग माँ इतना इमोशनल है कि जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। अब उम्मीद है कि जिस तरह वनराज और बा को लोगों ने प्यार दिया है शो अनुपमा में, ठीक उसी तरह इस म्यूजिक वीडियो को भी लोग पसंद करें। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई दंगल टीवी के शो में हो रहा है दंगल, हम बात कर रहे हैं सीरियल नथ की, और दंगल कौन लड़ रहा है? हमारी जीत। अब भैया इनके तो नाम में ही जीत है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जीत भी होनी चाहिए, लेकिन जीत होगी तो एक आत्मा की मदद से, और किसी की नहीं, कृष्णा की आत्मा की मदद से, क्योंकि इन दिनों वो आत्मा बन के घूम रही है। बाबा रे बाबा, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, और जब कुछ भी हो सकता है ना, तो यही वजह है कि दर्शक इस सीरियल देखने आते हैं, और उनके एंटरटेनमेंट के लिए जब हर दिन कुछ नया नया मिलता है तो भला वो सीरियल्स की दुनिया को प्यार क्यों ना करें।
अब देखिए जब कृष्णा एक आत्मा बन गई है, न किसी को छू सकती है न उसकी आवाज कोई सुन सकता है, इसके बावजूद वो जीत को ये दंगल जितवा कर रहेगी। वहीं गोपाला ने पूरी सेटिंग कर ली है कि इस दंगल में जीत की जान चली जाए। सारे पहलवानों को उसने पहले से ही सेट कर रखा है दिखाने के लिए। तो गोपाला दिखा रही है कि मैं चाहती हूँ कि जीत जीत जाए। ये सब के बारे में अभी मुझे नहीं पता है कि गोपाला क्या चाल चलने वाली है, वो मुझे बाद में पता चलेगा। अभी तो बस मैं आई हूँ जीत का सपोर्ट करने के लिए। अब जीत ये दंगल जीतेगा जरूर, लेकिन गोपाला की बदौलत नहीं, अपनी पत्नी कृष्णा की आत्मा की बदौलत। कृष्णा आप जानते ही हैं कि मैं अभी एक सोल हूँ, तो मैं कुछ टच नहीं कर सकती, किसी को महसूस नहीं कर पाती हूँ, और लोग मुझे टच नहीं कर पाते, लोग मुझे देख नहीं पाते, लोग मुझे सुन नहीं पाते हैं। सो अब ऐसे में कृष्णा क्या करेगी पता नहीं, पर यस जीत हार रहा है तो कृष्णा कहीं ना कहीं जीत की हौसला अफजाई करेगी और वही करने आई है। पहले तो वो बहुत परेशान हुई क्योंकि कैसे जितवाए अपने पति को। शिव जी की उसने आराधना की और उसके बाद कृष्णा को शिव जी से वरदान मिला और उसने ये कमाल कर दिखाया कि जीत जीत गया। अब प्लीज ये मत पूछना कि वो वरदान क्या था, कृष्णा ने ऐसा क्या किया। कुछ न कुछ तो किया होगा जो शायद आपके और हमारे समझ के परे है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सीरियल की दुनिया इतनी एंटरटेनिंग होती है कि हर दिन एक कुछ नया एंटरटेनमेंट का डोज लेकर वो हाजिर हो जाते हैं। और यही वजह है कि हर दिन सीरियल के सेट पर जाना, नई नई स्टोरी करना हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया हमारी लोहड़ी और मकर संक्रांति कब की बीत गई, ये लोग तो अब जाकर पहुंचे हैं। भाई कैसे मुझे तुम मिल गए की बात कर रहे हैं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो हो कुछ ऐसा रहा है कि लोहड़ी का त्योहार है और यहाँ पर अमृता और विराट ने मना लिया आरके वाला पोज। भैया फिर क्या था उसके बाद, आज ही ने जो किया बवाल, अब ये बवाल एक दो एपिसोड तो खींच ही देगा। विराट और अमृता ये दोनों की अलग अलग टीम बन गई है। अब जब खेल खेला जाता है तो टीम तो बनती ही है। मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्योहार इनकी सोसाइटी में अब भी चल रहा है, इसीलिए ये खेल खेल रहे हैं। अब यूं तो इन्होंने बहुत सारे खेल खेले, लेकिन एक खेल ऐसा हुआ जिसमें अमृता और विराट के बीच आर के पोज बन गया। अब ये आरके वाला पोज बवाल का कारण बन गया क्योंकि आजी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि विराट उसकी पोती से यूं चिपके। विराट जो पंजाबी लड़का है मेरी पोती के साथ बहुत चिपकने की कोशिश कर रहा है, मुझे गुस्सा आता है कि मेरी पोती के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं उसको बता देती हूँ कि अच्छा नहीं है, इसका तलाक हुआ है, तलाक कैसे होता है, क्यों होता है, तू इसके नाद में मत लग, ये सब अभी सीन चल रहा था। अब आजी को कौन बताए कि इनके बीच प्यार की बरसातें शुरू होने वाली है। फिलहाल आजी को गुस्सा आया है और देखिए अमृता को वो बता रही है कि विराट का तलाक हो गया है। ये लड़का ना विराट तलाक शुदा है। अब आजी इस फंक्शन में सबको बताने वाली है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही होगा जो नहीं होना चाहिए। विराट को बहुत तकलीफ होगी, उसे लगेगा कि अमृता ने आजी को सारा सच बता दिया है। यहीं से इनके बीच थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन अमृता है ना वो सब संभाल लेगी। फिलहाल थोड़ा सा वक्त लगेगा,
फिर मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।